रूस पर प्रतिबंध लगाने की वजह से रूसी राष्ट्रपति पुतिन का गुस्सा पूरे यूरोप के लिए निकला है। खबर है कि रूस ने गैस खरीदने के लिए सारे फॉरेन बायर्स को रूबल में कीमत चुकाने को कहा था और रूबल में कीमत नहीं चुकाने पर गैस की सप्लाई रोकने की धमकी दी थी। पुतिन ने आज से ही गैस लेने के बदले रूबल में कीमत चुकाने को कहा था। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बेल्जियम की संसद में संबोधन के दौरान कहा कि दुनिया में शांति रूस के तेल और गैस से ज्यादा जरूरी है, इसलिए बेल्जियम युद्ध में यूक्रेन का साथ दे। जेलेंस्की ने यूरोपीय नेता से इसकी इजाजत नहीं देने की अपील की। रूस का घातक युद्ध एक नियमित मामला बन गया है और उन्होंने कीव को अतिरिक्त सुरक्षा सहायता की मांग की। इसके अलावा जेलेंस्की ने युद्ध में अधिक मदद के लिए सीधे दुनिया भर से गुहार लगाई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को देश के रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व से 6 महीने के लिए रोजाना 1 मिलियन बैरल तेल छोड़ने का आदेश दिया है। कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एक बोली जो अमेरिका और सहयोगियों के रूस पर इसके हमले और कठोर प्रतिबंध लगाने के बाद बढ़ी है। बाइडेन को उनसे उम्मीद है कि गैसोलीन की कीमतें काफी हद तक गिर सकती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कीव से अपनी सेना को वापस खींच रहे हैं। उनके मुताबिक पुतिन ने खुद को सेल्फ आइसोलेटेड कर रखा है और इस बात के संकेत है कि उन्होंने अपने कुछ सलाहकारों को निकाल दिया है। उधर नेटो महासचिव का कहना है कि रूसी सैनिक वापस नहीं हो रहे हैं बल्कि अपनी स्थिति बदल रहे हैं। रूस कीव और अन्य शहरों पर दबाव बनाए हुए है। यूनाइटेड किंगडम इंटेलिजेंस के हवाले से खबर है कि कीव के पास चेर्निहिव में भीषण जंग जारी है और रूसी सेना चेर्निहिव पर जबरदस्त बमबारी कर रही है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि कीव के आसपास भीषण लड़ाई हो सकती है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ब्रिटेन ने रूस के जंग हारने का दावा किया है। ब्रिटेन को पुतिन की सेना पहले से काफी कमजोर दिख रही है। नेटो की पूर्वी विंग, जिसे बुखारेस्ट 9 के नाम से भी जाना जाता है, इसके अधिकारियों ने कल स्लोवाकिया में अनौपचारिक रूप से मुलाकात की और रूस के यूक्रेन पर आक्रमण का जवाब कैसे दिया जाए इसे लेकर चर्चा की। इस बैठक में बुल्गारिया, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, लिथुआनिया, लातविया और स्लोवाकिया के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसके 4 देश यूक्रेन के साथ, 2 रूस के साथ और 2 बेलारूस के साथ सीमा साझा करते हैं। रूस को घेरने के लिए अब नेटो ने कमर कस ली है। नेटो सैनिकों ने रूस की सीमा के बाद लड़ाकू विमान और हथियारों के साथ युद्ध की रिहर्सल की। नेटो ने रूस की सीमा के पास नॉर्वे में जोरदार शक्ति प्रदर्शन शुरू किया। इस अभ्यास को कोल्ड रिस्पांस 22 नाम दिया गया है। अभ्यास के दौरान ये सैनिक नॉर्वे के समुद्र तटीय इलाके में जंगी जहाज में उतर छापा मारने की प्रैक्टिस की। नेटो सैनिकों ने बर्फ पर भी जमकर अभ्यास किया। संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी प्रमुख राफेल ग्रासी परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ रूसी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए कलिनिनग्राद। रूस पर प्रतिबंध लगाने की वजह से रूसी राष्ट्रपति पुतिन का गुस्सा पूरे यूरोप के लिए निकला है। खबर है कि रूस ने गैस खरीदने के लिए सारे फॉरेन बायर्स को रूबल में कीमत चुकाने को कहा था और रूबल में कीमत नहीं चुकाने पर गैस की सप्लाई रोकने की धमकी दी थी। पुतिन ने आज से ही गैस लेने के बदले रूबल में कीमत चुकाने को कहा था। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बेल्जियम की संसद में संबोधन के दौरान कहा कि दुनिया में शांति रूस के तेल और गैस से ज्यादा जरूरी है, इसलिए बेल्जियम युद्ध में यूक्रेन का साथ दे। जेलेंस्की ने यूरोपीय नेता से इसकी इजाजत नहीं देने की अपील की। रूस का घातक युद्ध एक नियमित मामला बन गया है और उन्होंने कीव को अतिरिक्त सुरक्षा सहायता की मांग की। इसके अलावा जेलेंस्की ने युद्ध में अधिक मदद के लिए सीधे दुनिया भर से गुहार लगाई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को देश के रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व से 6 महीने के लिए रोजाना 1 मिलियन बैरल तेल छोड़ने का आदेश दिया है। कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एक बोली जो अमेरिका और सहयोगियों के रूस पर इसके हमले और कठोर प्रतिबंध लगाने के बाद बढ़ी है। बाइडेन को उनसे उम्मीद है कि गैसोलीन की कीमतें काफी हद तक गिर सकती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कीव से अपनी सेना को वापस खींच रहे हैं। उनके मुताबिक पुतिन ने खुद को सेल्फ आइसोलेटेड कर रखा है और इस बात के संकेत है कि उन्होंने अपने कुछ सलाहकारों को निकाल दिया है। उधर नेटो महासचिव का कहना है कि रूसी सैनिक वापस नहीं हो रहे हैं बल्कि अपनी स्थिति बदल रहे हैं। रूस कीव और अन्य शहरों पर दबाव बनाए हुए है।
यूनाइटेड किंगडम इंटेलिजेंस के हवाले से खबर है कि यूक्रेन के पास चेर्निहिव में भीषण जंग जारी है और रूसी सेना चेर्निहिव पर जबरदस्त बमबारी कर रही है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि कीव के आसपास भीषण लड़ाई हो सकती है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ब्रिटेन ने रूस के जंग हारने का दावा किया है। ब्रिटेन को पुतिन की सेना पहले से काफी कमजोर दिख रही है। नेटो की पूर्वी विंग, जिसे बुखारेस्ट 9 के नाम से भी जाना जाता है, इसके अधिकारियों ने कल स्लोवाकिया में अनौपचारिक रूप से मुलाकात की और रूस के यूक्रेन पर आक्रमण का जवाब कैसे दिया जाए इसे लेकर चर्चा की। इस बैठक में बुल्गारिया, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, लिथुआनिया, लातविया और स्लोवाकिया के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसके चार देश यूक्रेन के साथ, दो रूस के साथ और दो बेलारूस के साथ सीमा साझा करते हैं। रूस को घेरने के लिए अब नेटो ने कमर कस ली है। नेटो सैनिकों ने रूस की सीमा के बाद लड़ाकू विमान और हथियारों के साथ युद्ध की रिहर्सल की। नेटो ने रूस की सीमा के पास नार्वे में जोरदार शक्ति प्रदर्शन शुरू किया। इस अभ्यास को कोल्ड रिस्पांस 22 नाम दिया गया है। अभ्यास के दौरान ये सैनिक नार्वे के समुद्र तटीय इलाके में जंगी जहाज में उतर छापा मारने की प्रैक्टिस की। नेटो सैनिकों ने बर्फ पर भी जमकर अभ्यास किया। संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी प्रमुख राफेल ग्रासी परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ रूसी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए कलिनिनग्राद पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का निरीक्षण किया और ऊर्जा मंत्री और अन्य अधिकारियों को सम्मानित किया। यूक्रेन में चार न्यूक्लियर प्लांट है, जिनमें से दो पर रूसी कब्जा है। इन चारों न्यूक्लियर प्लांट में 15 परमाणु रिएक्टर हैं, जिसमें से 7 रिएक्टर फिलहाल बंद पड़े हैं। यूक्रेन के खिलाफ जारी लड़ाई के बीच रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरो कल 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंचे। रूसी विदेश मंत्रालय के मुताबिक आज शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। बातचीत के मुद्दों में यूक्रेन के मौजूदा हालात का विषय अहम होगा। भारत रूसी विदेश मंत्री से सीधे जानना चाहेंगे कि शांति वार्ता में क्या स्थिति है और समाधान के लिए रूस की तरफ से क्या प्रयास किए गए हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।